नमस्कार दर्शक मित्रों, वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल में मैं नीतल शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर झुका के सलाम करते हैं हम, सर झुका के सलाम करते हैं हम, इस दिल की सब दुआ सिर्फ और सिर्फ आपके नाम करते हैं हम। मेरी ये छोटी सी दुआ कुबुल हो अगर, मेरी ये छोटी सी दुआ कुबुल हो अगर आपको, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हमारा ये एपिसोड और हमारा हर एपिसोड सिर्फ आपके और आपके एंटरटेनमेंट के नाम करते हैं हम। तो हमेशा आपके एंटरटेनमेंट के लिए नीतल लेके आती है वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल में लॉट्स ऑफ फन, म्यूजिक, मस्ती, एंटरटेनमेंट एंड लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज। सो डोंट फॉरगेट टू गेट कनेक्टेड विद अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऑन आवर चैनल Divyang News Channel. Do like, subscribe and tag us and share our web page Divyang News Channel. और दोस्तों, आज World of Glamour में नीतल आपके लिए जो celebrity लेके आई है, he is a very versatile actor, Mr. Sanjay Patel. तो welcome Sanjay ji, welcome to Divyang News Channel, welcome to World of Glamour with नीतल. Thank you. थैंक यू नीतल जी, थैंक यू दिव्यांग न्यूज़ चैनल, मुझे आज यहाँ पे बुला के जो बुलाया गया है, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से आभारी हूँ और तमाम दर्शक मित्र को प्रणाम मेरा, और खास करके दिव्यांग न्यूज़ चैनल को और नीतल शाह को। थैंक यू वेरी मच संजय जी, इट वॉज आर प्लेजर। वैसे मैं आपको बता दूं दर्शकों, संजय जी इज अ वेरी वेल नोन एक्टर, इनफैक्ट एक्टर की जगह मैं ये कहूंगी ही इज अ वेरी रिनाउंड विलन। बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत सारे विलन के किरदार निभाए हुए हैं। हमारे मोगेम्बो जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी मूवीज की है। बॉलीवुड मूवी बेवफा बेजुबा इश्क में इन्होंने काम किया है, आई एम बनी जो है उसमें भी ये रहे हैं, और बहुत सारी मूवीज इन्होंने की है। इनकी राजपाल यादव जी के साथ भी गुजराती मूवी आई है, शिवो के साथ उन्होंने प्रेम एक जंग नाम की मूवी की हुई है, बेवफा सनम रूरल मूवी जो इनकी रही है, इट वॉज अ सिल्वर जुबली मूवी, और न जाने और कितनी मूवीज इन्होंने की है। इनकी जो लाइफ जर्नी है ये हम इनके साथ ही आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले संजय जी, हम ये जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, आप ये मूवीज और एक्टिंग फील्ड में कैसे आए। जी नीतल जी, मैं यहां कैसे आए, मैं आपको पहले यही बताऊंगा कि मैं एज ये इंडस्ट्री में एज ए प्रोड्यूसर आया था। ओके, तो मैंने एक मूवी लॉन्च किया था, मतलब मैं एज ए प्रोड्यूस किया था, उसके अंदर कुछ खास मज़ा नहीं आया मुझे यहाँ काम करने में। कुछ हम तो देखो गुजराती है, अगर नफा नहीं मिलेगा तो धंधा छोड़ देते हैं। तो मैंने इसी हिसाब में इंडस्ट्रीज में आया था। तो भगवान की लेन देन, चला नहीं चला मुझे पता नहीं था, नहीं चला तो मैंने सोचा अब मैं इंडस्ट्रीज में रह के क्या करूँगा। तब मेरी मूवी में एक मेरे एज अ फाइट मास्टर के हिसाब से एक मसूद पटेल नाम के मास्टर जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप इंडस्ट्री में विलन का काम क्यों नहीं करते। मैंने मसूद साहब को बताया, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की है, कभी ये नहीं किया, तो मैं कैसे करूँगा। बोले आप उसमें टेंशन मत लीजिए। फिर द्वार वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल एक इंस्पेक्टर का दिया था। ओके, करीबन 2012-13 में। ओके, उस दौरान उनको अच्छा लगा, फिर किसी और ने मुझे देखा, तो ऐसे भी तो गुजरात में ऐसे बोले विलन का मैं, विलन का मैं, सब लोग बोल रहे थे, तो मैंने भी सोचा चलो हम विलन का काम ही क्यों ना करें। okay. और इस दौरान हमारी जर्नी यहाँ से विलन की शुरू हुई। हाँ जी, नीतल जी। हाँ, तो विलन की जर्नी आपने ऐसे लगभग 2012 से स्टार्ट की, काफी लंबी जर्नी रही, तो इसमें आपकी कौन कौन सी मूवीज आ गई, कुछ आपने तो बहुत सारी मूवीज की हुई है, लेकिन कुछ मेमोरेबल मूवीज जो आपको याद आए वो हमारे साथ शेयर कीजिए। यहाँ मेमोरेबल मूवी में ये था कि पहले मैंने एक बॉलीवुड मूवी किया था जिसमें मुक्ता गोडसे, स्नेहा उलाल, निशांत मलकानी, बेजुबा इश्क, बॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी मानी जाती थी,
उसके बाद मैंने आई एम बनी लास्ट ईयर एक मूवी हिंदी किया, उस दौरान मैंने गुजराती में राजपाल यादव के साथ बड़ा अच्छा काम किया, बड़े अच्छे लोग उनके साथ, उनके सिवा करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में विलन के नाम से, उनका नाम सिवा ही रहता है, उनके साथ मेरी जर्नी गुजराती मूवी में थी, प्रेम एक जंग थी, और इससे और कम से कम 40-45 मूवी मैंने की है। अच्छा, तो सभी में आपने विलन का ही रोल किया कि कुछ तो होगी ना, कुछ अलग रोल वाली? अलग रोल में क्या मतलब, मैंने इंस्पेक्टर कैरेक्टर किया है, विलन का मैंने ज्यादा से ज्यादा विलन किया, और पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने बहुत एक दो कम किया, थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट भी कम है। अच्छा, तो विलन में अच्छा अभी, लगता है। अभी अभी मतलब विलन में ही सेट हो गए हैं, माइंड भी है आपका, माइंड विलन में हो गया। अच्छा, कैरेक्टर रोल भी करता हूँ कभी कभार, अगर अच्छा मिल जाए तो मैं जरूर करता हूँ। अच्छा, क्योंकि जरूरी है, एक्टर है, सब रोल करना पड़ता है। okay. ऐसा नहीं कि विलन क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, सो या यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर, और आपने बहुत सारी मूवीज की हुई है संजय जी, तो हाँ। इसमें मूवीज के दौरान, शूटिंग के दरमियान भी आपके कुछ मेमोरेबल मोमेंट हो, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में शूटिंग के दरमियान, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? शूटिंग के दरमियान ही हुआ था, या शूटिंग से पहले मैं जो ऑफ स्क्रीन की बात अगर करूँ। अच्छा, तो मेरे साथ एक वाक्य हुआ कि ऐसे तो मुझे मेन विलन में स्टार्टिंग से लेगा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की, वही दूसरे तीसरे मूवी की जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो कुछ पेपर वर्क चल रहा था, करीबन मेरे दोस्त लोग थे, तो उन्होंने मेरे को एक ऑफर किया कि भाई आप विलन का काम करेंगे? बोले हाँ मैं करूँगा, तो सेकंड विलन का काम है, लेकिन अभी तो मैं उनको क्या बोलूँ, मेरे को तो काम ही करना है, चाहे फर्स्ट डे या सेकंड डे, जरूरत इतनी थी काम की। तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेता हूँ। तो उन दौरान कुछ लिखाई पड़ी रही थी, प्रोजेक्ट रेडी हो रहा था, तो उन लोगों ने मेन विलन के काम से जो भाई किए गए थे उनसे कुछ लफड़ा हुआ, पंगा हुआ, उनको मेरे को पता नहीं था। तो एक दिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग बोले कि भाई आप मेन विलन का काम कर रहे हो। मैंने सोचा मैं विलन था, सेकंड मेन विलन हो गया, क्योंकि मेरे सर पे जिम्मेदारी ज़्यादा गई मेरे ख्याल, मेरे को ऐसा लगा। तो फिर भी क्या कहे, विलन डरेंगे तो काम नहीं होगा। अच्छा, विलन हमारा डर गया, ये बात तो चलेगा नहीं। हाँ, विलन अगर डर जाएगा तो काम नहीं होगा। हाँ। तो फिर भी मैंने ये सोचा चलो मैं कर लूँगा। तो एक दिन एक डायरेक्टर ने मेरे से एक क्वेश्चन किया, ऐसे पहचान के थे तो वो सॉफ्टली पूछते कि संजय भाई को अगर बुरा लग गया तो गंदा लगेगा। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया कि संजय भाई आप इसमें काम कितना करेंगे? आज तक मुझे वो क्वेश्चन याद है। okay. कि आम अभी मैंने सोचा मैं काम कितना करूँगा, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने उनको आंसर दिया कि देखो सर, आप जितनी उम्मीद मेरे से रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको काम दूंगा। अरे वाह, क्या बात है, कितना सुपर आंसर। और वही वो मेरी पहली फर्स्ट मेन विलन में वही मूवी थी। खैर मूवी बहुत अच्छी बनी थी, चली नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन बहुत मूवी उसमें सब लोगों ने मेरा काम को सराहना दी, बोले ये नया विलन है, अच्छा है। और देखने में काफ़ी लोग तो यही बोला, देखने के बाद काफ़ी लोग यही बोला कि ये इतने साल से कहाँ था ये काम कर रहा था। काफ़ी लोग ने मुझे क्वेश्चन भी किया। अच्छा। कि इतने साल आप कहाँ थे? मैंने बोला भाई मैं कहीं नहीं था, मैं यही था, अभी आया हूँ, नया नया बंदा हूँ। तो मतलब अगर आप थोड़ा जल्दी जागते तो और भी हमें अच्छे अच्छे मूवीज मिल जाते हैं, मतलब तो यही है। तो ये आपका फर्स्ट मूवी का ये मस्त आपने वाक्य हमारे साथ शेयर किया। इसके अलावा भी आप बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज कर चुके हैं, जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज किए हैं, आपने गुजराती मूवी की है, आपने रूरल मूवीज की है, आई थिंक आपने बहुत सारी एड सीरियल्स वगैरह भी किया है, तो वो जर्नी के बारे में भी हमें कुछ आप बताइए। सीरियल तो मैंने एक हिंदी सीरियल थी और एक गुजराती सीरियल थी, वो जो वी टी वी पर आती थी, एक वो कोई हिंदी चैनल था उस पर आती थी। लेकिन मैं आपको एक मूवी का वाक्य बताता हूँ। अच्छा। मैंने एक अर्बन मूवी, ऐसे तो अर्बन मूवी मैंने करीबन 10-12 अर्बन मूवी किया है। ओके। हाँ, उसके अंदर एक मूवी है लवारी। हाँ जी। लास्ट 2 ईयर पहले आई थी। तो वो फिलहाल बहुत सुपरहिट मूवी थी उस टाइम की, पर फिलहाल भी एयर इंडिया फ्लाइट के अंदर रीजनल मूवी में
लवरी नाम की मूवी बताई जाती है okay. तो वो सुपरहिट मूवी बहुत अच्छी थी hmm. इसके अलावा मैंने किया था हास्ट लव थे गयो हास्ट लव थे गयो मूवी में डायरेक्टर उनसे मैं मिला तो उन लोग ने मुझे दो रोल ऑफर किया hmm. क्योंकि हर एक टाइम पे बोलते हैं कि भाई अब संजय भाई विलन हो hmm. उन्होंने मुझे दो रोल ऑफर किया इसमें सर एक विलन है और एक कॉमेडी है तो मैंने सोचा चलो आज कुछ सुबह उठ के नया करते हैं ओके कुछ तजुर्बा और ले लेते हैं इंडस्ट्रीज का तो उन्होंने मुझे एक रोल दिया था सुरती मांझा करके और बेहद कॉमेडी था उनके हिसाब से इतना कॉमेडी दिखाया नहीं गया था लेकिन जब मैंने किया नीतल जी तो वो डायरेक्टर वगैरह इतने खुश हो गए कि आप पटेल आप इतनी कॉमेडी भी करते हो क्या उतना कॉमेडी मूवी था फिलहाल रिलीज तो नहीं हुआ है लेकिन अब रिलीज होगा तो दुआएं आप दर्शक लोग की देखेंगे और सराहेंगे उसे sure, तो sure. वो एक मेरा अच्छा वाक्य वो था नीतल जी जी तो इसके अलावा आपने जो सीरियल्स जो की है हाँ. तो वो कौन सी सीरियल्स आपने की थी और उसके बारे में भी हमारे साथ कुछ शेयर अच्छा, सीरियल एक थी महासती मैना सुंदरी उसके अंदर एक रावण का रोल था अच्छा बड़ा ही डेंजर था okay. ऐसे लंबे लंबे बाल ने okay. अगर बच्चे लोग देखे तो डर जाए अच्छा तो वो रोल आपने किया था हाँ वो रोल मैंने किया था ओके और उसके बाद मैंने गुजराती सीरियल किया था जो वी टीवी पर था क्राइम टाइम का शो था क्राइम टाइम के शो में अंदर मैंने इंस्पेक्टर का रोल था मेरा ओके दैट वाज अ गुड रोल और अगर विलन के बाद मेरे को कोई रोल अगर अच्छा लगता है तो इंस्पेक्टर का लगता है अच्छा नहीं तो मुझे तो अभी यही मतलब आपके लिए वर्ड याद आ रहा था कि ये पैदा ऐसी रावण है यहाँ पे जहाँ पे भी बात कर रहे हैं आप विलन की ही बात किए जा रहे हैं और इसमें बड़े लंबे बाल वाले रावण भी बन गए आप तो आपके लिए भी ये थोड़ा मतलब रावण का कैरेक्टर कुछ फनी नहीं लगा आपको बड़े बड़े लंबे लंबे बाल उसमें क्या फनी था लंबे लंबे बाल था लेकिन जो मेरा स्टार्टिंग था हाँ जी तो स्टार्टिंग था तो मतलब काम करने की भी वो थी वो जरूरत हाँ। भी थी और वो जहन में वो था मैं काम कर लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ तो जो भी जहन को मार नहीं सकते वो मिल ले ले। हाँ तो रावण का बिल्ला बोले सब पठान साहब बोले रावण करना है अरे साहब रावण कर लेंगे उसमें क्या है अच्छा ओके सो योर डेडिकेशन फॉर वर्क मेड यू डू ऑल लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये भी एक आई वुड से मेमोरेबल ही मोमेंट होगा वो रावण का रोल करना हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स वैसे भी करना थोड़ा हार्ड होता है बहुत हार्ड होता है उसमें एक्चुअली वो तैयार होना ही सबसे हार्ड वाली चीज होती है उसमें करीबन नीतल जी 2 घंटा रेडी होने में लगता है अच्छा 2 घंटा रेडियो फिर ये बाल और इतनी गर्मी रहती है तो परेशानी होती है हाँ, लेकिन वो मैंने बताया कि जहन में एक्टर बनना है चाहे कुछ भी हो सबको खेल लेंगे और बनेंगे एक्टर सही बात है बे आपको बहुत मेहनत करनी होती है जो स्क्रीन पे दिखता है उतना आसान नहीं होता है आसपास जो टेम्परेचर है और उसके ऊपर सारा मेकअप है उसके साथ फिर आपको एक्सप्रेशंस देना है और उसके बाद वो डायलॉग याद करके बोलने हैं तो वो जो करता है उसी को पता चलता है कि कितना हार्ड रहता है तो ये तो आपकी बहुत सारी जो आपने जर्नी की है उसके बारे में है इसके अलावा जो आपकी कुछ जासूस जो सीरीज आ रही हाँ। है उसके बारे में भी आप हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए हाँ तो फिलहाल क्या है कि अभी तो गुजराती मूवीज का एक दौर चला है कि अर्बन मूवी हाँ जी तो वो अच्छा है बढ़िया है प्रोडक्शन अच्छा है मेकिंग अच्छा आता है उसके अंदर मैंने करीबन राजपाल जी जैसे बड़े बॉलीवुड के मेगा स्टार कॉमेडियन कहे जाते हैं उनके साथ मैंने 2 मूवी की है जैसे लव यू यार है इसके अलावा करीबन लव यू यार लवारी हास्ट लव थे गो 3G.com जासूस हूँ तारा इश्क माछू ऐसे करीबन 10-12 नाम है मेरे को फिलहाल जितने याद थे मैंने आपको बताया है okay. तो नेक्स्ट में जो नेक्स्ट मंथ में मैंने अभी मैंने लास्ट 2-3 महीने पहले किया था जासूस मूवी जो गुजराती में आज तक कॉमेडी आई है बच्चों के लिए आई है लेकिन जासूस एक सस्पेंस मूवी है जी. तो मेरे ख्याल से शायद वो पहली बार आ रही है तो वो अगले महीने की 3 तारीख को शायद वो लॉन्च होगी ओके सो दैट्स थर्ड मई हाँ थर्ड मई
थर्ड मे को अच्छा ओके दैट्स अभी हो रही है हाँ रिसेंट हो जाएगी हाँ हाँ तो आर बेस्ट विशेस फॉर जासूस एंड हमारे संजय जी की ये मूवी आप थिएटर में भी देखने जा सकते हैं और बहुत ही हमें खुशी होगी आपकी मूवी देख के एंड हाँ गुजराती मूवीज को हम भी बहुत दिल से प्रमोट करते हैं हम चाहते हैं कि जैसे बॉलीवुड मूवीज चलती है वैसे ही गुजराती मूवीज भी अच्छे से चले और हमारे जो गुजरात के जो अपकमिंग स्टार्स हैं उनको भी इतना ही प्यार और सम्मान मिले जितना बॉलीवुड के स्टार्स को मिलता है और हमारी रीजनल मूवीज भी हमारे रीजन को ऊपर ले आने में बहुत मदद में आती है तो आप ऐसे कलाकार हैं जो हमारे रीजनल मूवीज को प्रमोट करते हैं ये जान के बहुत ही अच्छा लगा तो आपकी जो जर्नी थी आपके पास बहुत सारी मूवीज के लिस्ट है ये मतलब बहुत मजा आया आपके साथ बात करके संजय जी एंड नाउ वी मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ माय एपिसोड दैट इज द गेमिंग राउंड जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है मेरे दर्शकों को सबसे ज्यादा मजा आता है एंड आई एम श्योर आपको भी ये खेलने में बहुत मजा आएगा तो संजय जी हमारा जो गेमिंग राउंड है जो फर्स्ट राउंड है ये हमारा रहेगा डायलॉग्स का राउंड इसमें मैं आपको कुछ मूवीज के डायलॉग दूंगी आपको मूवी का नाम गेस करना है और इसके लिए आपको मिलेगा केवल एक मिनट ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ कितने आदमी थे अब ये डायलॉग हम भूल जाएंगे तो इंटरसीज में काम कैसे करेंगे हाँ जी ये 16 पिक्चर का डायलॉग है वेरी गुड सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है मिस्टर इंडिया लॉयन वैसे संजय जी मैं आपको बता दूं अजीत अजीत हाँ अजीत अगर इसका नाम आपने बता दिया तो वो हमारे एपिसोड की हिस्ट्री होगी क्योंकि किसी ने नहीं बताया है इसका नाम अभी तक हमें सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है अजीत जी का एकदम फेमस डायलॉग है डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी है मैं जानता हूँ लेकिन उसका नाम कालीचरण मोगेम्बो खुश हुआ मिस्टर इंडिया वेरी गुड जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ लेकिन जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ रावड़ी राठौड़ गुड एंड योर टाइम्स अप ओवर हियर चलिए हमारा जो नेक्स्ट राउंड है इट्स अ वेरी न्यू राउंड इसमें मैं आपको कुछ मूवी के कैरेक्टर्स बताऊंगी अच्छा फेमस कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर पे से आपको मूवी का नाम बताना है यस ओके एंड द सेम थिंग 1 मिनट योर टाइम बिगिंस नाउ गब्बर सिंह ठाकुर गब्बर सिंह मतलब अमजद खान हाँ मूवी का नाम मूवी का नाम शोले ओके गुड संजू रतन देविका ये तो थोड़ा बाहर लगता है दिमाग से अच्छा जो जीता वही सिकंदर यस तेजा गोगो रंजीत रॉबर्ट अमर प्रेम मूवी का नाम आमिर खान बहुत फेमस मूवी है अंदाज अपना अपना अंदाज यस सॉरी किरण राहुल विकी था ना किरण हाँ वो वाली किरण सनी देओल वाला हाँ सनी देओल शाहरुख खान यस टाइम्स अप आई विल गिव दिस वन टू यू याद कीजिए किरण दिमाग पे जोर लगाइए लगाइए कंप्यूटर में इतना सारा डेटा है कि जब निकालना होता है तो निकलता नहीं है यही रहता दिमाग में रहता है लेकिन जबान पे नहीं आता हाँ जी हाँ जी चलिए अभी हमारा जो अगला राउंड है वो थोड़ा अलग है इसमें जो हमारे मूवी के नाम है उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है ट्रांसलेट किया अच्छा है। और आपको उसका ओरिजिनल हिंदी नेम जो है मूवी का वो बताना है बताएंगे जरूर अच्छा ठीक है एंड द सेम थिंग 1 मिनट टाइम योर टाइम बिगिंस नाउ ही हु विंस इज अलेक्जेंडर
ही हु विंस। ये एलेक्जेंडर कौन है? ही हु विंस। ही हु विंस, एलेक्जेंडर को किसने जीता? जो जीता वही सिकंदर। फायर वे अग्नि का रास्ता क्या? अग्निपथ। अग्निपथ, ओ हो। वॉकिंग, वॉकिंग, चलते चलते। गुड। थर्स्टी, प्यासा। वेरी गुड। स्लेव, आमिर खान। आमिर खान का थोड़ा हार्ड ही होता है। हाँ, आमिर खान पहले से ही हार्ड है थोड़ा। स्लेव, ये लास्ट वाला दे देती हूँ, याद कीजिए आमिर खान की मूवीज। गुलाम। गुलाम, आमिर खान जी को समझना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए एक्टर है और बहुत ज्यादा मेहनत से पूरा दुख के काम करते हैं। तो इसी के साथ हमारे गेमिंग राउंड यहीं पे खत्म होता है। आपके साथ खेल के आज मुझे सही में बहुत मजा आया। बहुत दिल से आपने मुझे भी अच्छा लगा। आज पहली बार ये करते हैं सब, एक्टिंग करते हैं, धंधा करते हैं, गेम तो आज पहली बार खेला। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। ओके, सो दैट वाज रियली वंडरफुल संजय जी। अभी हमारा जो ये चैनल है संजय जी, ये दिव्यांग न्यूज चैनल, हमारे दिव्यांगों के लिए हम काम करते हैं और उनको ही ज्यादा से ज्यादा हम मोटिवेट करने के लिए काम करते हैं। तो आपका हमारे दिव्यांगों के लिए कोई स्पेशल मैसेज दे दीजिए प्लीज। देखिए नीतल जी, लोग जमाने में कई तरह के काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई ये चैरिटी करता है, कोई वो चैरिटी करता है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे तजुर्बा है कि दिव्यांगों के लिए अगर जो कोई कुछ भी करता है, सबसे सराहनीय यही है। क्योंकि जिनके ज़ुबान नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो उन लोग को चैरिटी करना, उन लोग के काम करना, उनके स्कूल चलाना, उनके चैनल चलाना, मेरे ख्याल के सबसे और बढ़िया से बढ़िया काम यही है। जो आपकी चैनल कर रही है, तो उनको मैं फिर से नमन करता हूँ कि जो दिव्यांगों के लिए सब करते हैं, तो उनको तहे दिल से एक बार मैं सैल्यूट भी करूँगा। अगर नहीं, सही है ये काम। Thank और you, मुझे अच्छा भी लगा। थैंक यू वेरी मच संजय जी। आप जैसे आर्टिस्ट जब हमें सपोर्ट करते हैं, तभी हम ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर मेरे दिव्यांग भी आप लोगों को देख के, आपके आपसे मिलके उनको भी बहुत खुशी होगी। एंड थैंक यू वेरी मच संजय जी फॉर कमिंग ऑन वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विथ नीतल ऑन दिव्यांग न्यूज चैनल। और आपके साथ आज बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, एंड आई एम श्योर मेरे दर्शकों को भी बहुत ही ज्यादा आज मजा आएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू दिव्यांग न्यूज चैनल। थैंक यू नीतल शाह।